बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर हम इंटीमेट सीन, हॉट सीन, बोल्ड सीन देखते हैं, जिसको देख के मुझे पता है बहुत सारे ठड़की लोग ना उनके मुंह से लाड़ गिरता होगा। बट कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता होगा कि भाई ये सीन जो है कैसे शूट होते हैं, ये सारे सीन्स असली होते हैं या फेक होते हैं, और इतना क्लोज आने के बाद भी ये अपने आप को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। तो यही सारे सवालों के जवाब ना आज की वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जो सीन्स है वो शूट कैसे होते हैं, देखो सबके ना अपने अलग अलग तरीके होते हैं। अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो रिसेंटली हमको एनिमल मूवी में काफी ज्यादा ये इंटीमेट सीन, बोल सीन देखने को मिला था, बट सबसे ज्यादा चर्चे पे रहा था वो था तृप्ति दिमरी और रणबीर कपूर का सीन। और उस सीन के बारे में तृप्ति से बहुत ज्यादा पूछा गया कि वो सीन कैसे शूट किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया They were constantly checking up on me. They were constantly like, Tripti, if something happens, if you feel uncomfortable at any point, you just have to. इस इंटरव्यू में वो बताते हुए नजर आती है कि जब ये सीन शूट हुआ था तब उस रूम में सिर्फ चार बंदे थे, संदीप वांगा, कैमरामैन रणवीर और तृप्ति खुद। और उन्होंने ये भी बताया कि डायरेक्टर ने उनको भाई कंफर्टेबल फील कराया, और जब वो कंफर्टेबल फील हुई तभी उन्होंने ये सीन को शूट किया और ये सीन पॉसिबल हुआ। तो इससे हमको एक चीज जानने को मिलता है कि भाई ज्यादातर ये जो सीन्स होते हैं, बोल्ड सीन्स होते हैं, वो एक कमरे में कुछ लोगों के बीच में शूट किया जाता है ताकि एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो कंफर्टेबल फील कर सकें। बट और भी ऐसी ऐसी चीजें होती है जो उस सीन को बनाने के लिए काम में आती है, जैसे आपने काजल और सूर्या का किसिंग सीन देखा होगा, वो कैसे शूट हुआ था। बनाया तुमको, जैसे कि आप लोगों ने इस सीन में देखा कि कैसे एक फुग्गा और एक ग्लास का यूज किया गया है इस सीन को पॉसिबल बनाने के लिए। तो जब तक एक्टर एक्ट्रेस कंफर्टेबल नहीं होते वो सीन के लिए नेचुरली करने के लिए, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया गया। और हमको रिजल्ट तो कुछ और देखने को मिला पर्दे पे, बट उसको शूट कोई और तरीके से कराया गया था, जैसे हम इस वीडियो में देखे। अब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि किसिंग का तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा इंटीमेट सीन, बोल्ड सीन जब शूट किए जाते तो कैसा माहौल होता है, क्या होता है, ऐसा समझ रहे हो ना, कैसे सीन्स की बात कर रहा हूं जो मैं डाल नहीं सकता अपनी वीडियो पे, दिखा नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो उन सब चीजों के लिए प्रॉप्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उनको सीन्स को बनाने के लिए उन प्रॉप्स को ऐसे यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों से बॉडी जो है वो ज्यादा टच नहीं हो सकती, और मोस्टली जो एक्टर और एक्ट्रेस है उनको दिक्कत नहीं होता, और कभी कभार तो हमको भी बनाया जाता है, हमको स्क्रीन पे देख के लगता है कि भाई सच में उन्होंने कुछ नहीं पहना है, वो सच में पैड पैड कर रहे हैं, बट भाई हमको कभी कभी भी बनाया जाता है। अक्सर ये सीन्स को पॉसिबल बनाने के लिए एक्टर एक्ट्रेस है वो स्किन वाले कपड़े पहनते हैं, प्रॉप्स यूज करते हैं, और एडिटिंग का भी काफी बड़ा रोल होता है इन चीज को रियल दिखाने के लिए, बट मोस्टली जो है वो फेक होते हैं और कभी कभी रियल भी होते हैं। डिपेंड करता है एक्टर और एक्ट्रेस में कि वो इस चीज को इल्यूजन दिखाना चाहते हैं या इसको नेचुरल रखना चाहते हैं। मेनली ये जब सीन शूट होते हैं तो एक्टर एक्ट्रेस खुद को कंफर्टेबल करते हैं, कभी कभी खुद से बात करके, तो कभी कभी डायरेक्टर से बात करने के लिए, और ज्यादातर तो पिक्चरों में भाई एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को रखा जाता है जिसका काम होता है भाई इन सारी चीजों को, ये जो बोल सीन्स होते हैं ना उनको कोरियोग्राफ करना। वो एक्टर और एक्टर्स का पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई वो सही है और वो अच्छे से इस सीन को कर सकें। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताया जिससे आपको पता लग गया होगा कि इंटीमेसी सीन कैसे शूट होते हैं। कभी प्रॉप्स का यूज किए जाते हैं, तो कभी एडिटिंग की हेल्प ली जाती है, तो कभी नेचुरल होता है। डिपेंड करता है कि एक्टर और एक्ट्रेस कितने कंफर्टेबल है और उस सीन को कितना नेचुरल दिखाना चाहते हैं। अब दो क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया, बट अभी भी एक क्वेश्चन हमारे अंदर आ रहा है कि भाई इतना क्लोज आने के बाद भी ये लोग खुद को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। तो भाई जवाब है कि मोस्टली जो टाइम होता है ना ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपना कंट्रोल ये लोग खो देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अजर पिक्चर की शूटिंग तो देखी होगी ना, इमरान हाशमी और नरगिस का एक किसिंग सीन होता है जिसमें नरगिस जी अपना कंट्रोल खो देती है। जैसे कि आप लोगों ने इस क्लिप में देखा, डायरेक्टर के बार बार कट बोलने के बाद भी नरगिस जी नहीं रोक पा रही थी खुद को, तो ऐसा कई बार होता है। सेम रणबीर कपूर के साथ भी हुआ है, ये जवानी है दीवानी में जब वो एवलिन को किस करते रहते तो वो दोनों अपना आपा खो देते, कंट्रोल खो देते हैं, और कट होने के बाद भी, शॉट खत्म होने के बाद भी वो किस करते रहते हैं। टाइगर श्रॉफ और जैकलिन का भी हमको सुनने को मिलता है फ्लाइंग जेट का, जहां पे उनका किसिंग सीन होता है और दोनों आपा खो देते हैं और बहुत बार कट बोलने के बाद भी नहीं रुकते। और अगर हम 90s के समय जाए तो विनोद खन्ना जी की एक मूवी आई थी दयावान, जहां उनका माधुरी दीक्षित के साथ एक सीन था, और भाई उस सीन में वो अपना आपा, अपना कंट्रोल ऐसे खो देते हैं जैसे कि भाई वो काबू ही नहीं रख पाते अपने इमोशंस को, और वो ऐसे किस करने लगते हैं कि इस आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने काट भी दिया था उनके लिप्स में। भाई
तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ये लोग अपना कंट्रोल खोते हैं, इमोशन को लूज करते हैं, तो वहां पे जो टीम होती है ना, डायरेक्टर एक्टर जो भी बैठे रहते हैं, वो उनको बोलते हैं अरे हम शूट कर रहे हैं, लो होश में आओ होश में आओ। तो उनको कंट्रोल में वापस लाने के लिए वहां टीम होती है जो उनको भाई गाइड करती है कि हाँ भाई रिलैक्स हो जाओ, सांस ले लो, पानी वानी पी लो। तो ऐसा सीन होता है, तो ऐसे शूट होते हैं इंटीमेसी सीन, बोल सीन, हॉट सीन। और जब ये लोग खुद का कंट्रोल खो देते हैं तो भाई इनको कैसे कंट्रोल में लाया जाता है मैंने बता दिया वीडियो में। सो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला है, पर आई होप कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनके अंदर एक क्वेश्चन था, उसका आंसर तुम लोग को मिल गया होगा। मिल गया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनको नहीं पता कैसे शूट होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, उनको भी बताना ये वीडियो शेयर करके, ठीक है। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें ख्याल रखें, बाय बाय, पीस आउट, बाय।